Hello students, myself Karamveer Singh, Senior Lecturer in Mechanical, Government Polytechnic College, Alag. आज अपना इस लेक्चर में मशीन डिजाइन का टॉपिक डिजाइन ऑफ संघ की डिस्कस करेंगे. की क्या है? की चाबी एक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो शाफ्ट और हब या बॉस के मध्य इस उद्देश्य से फंसाया जाता है ताकि उनके बीच पारस्परिक घूर्णन गति ना हो. की अनेक प्रकार की होती हैं, पर अपने सिलेबस में संघ की है इसलिए अपना इसी संघ की कोई डिस्कस करेंगे. संघ की क्या है? संघ की वह की होती है जो आधी शाफ्ट में रहती है और आधी हब में रहती है. ऐसी की को संघ की कहा जाता है. संघ की को अपना दो तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं क्रॉस सेक्शन के आधार पर, एक स्क्वायर संघ की और दूसरी रेक्टेंगुलर संघ की. लेंथ में थिकनेस के अनुसार भी इसको दो तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है, एक पैरेलल संघ की जिसमें थिकनेस पूरी लंबाई में समान रहती है, एक टेपर्ड संघ की जिसमें थिकनेस पूरी लंबाई में समान नहीं रहती, कम होती चली जाती है. जब अपना एक की को शाफ्ट और हब के बीच लगाते हैं तो उस पर लगने वाले बल दो प्रकार के होते हैं, एक F1 कंप्रेसिव बल जो कि इसको फिटमेंट के कारण लगता है, इस बल की गणना करना मुश्किल है इसलिए इसको अपना नेगलेक्ट मानते हैं. दूसरा, जब शाफ्ट रोटेशन करती है यानी कि टॉर्क ट्रांसफर करती है तो उसके कारण लगने वाला टेंजेंशियल बल F है. किसी भी की के डिजाइन के लिए उसकी तीन डायमेंशंस निकालनी पड़ती हैं, विड्थ, थिकनेस और लंबाई, लेंथ. की के डिजाइन करते वक्त अपना ये करते हैं कि इनकी जो डायमेंशंस हैं उनको अपना एम्पिरिकल रिलेशन से मानते हैं. जैसे कि स्क्वायर संख्या के लिए W बराबर D/4 लिया जाता है, T बराबर D/6 दिया जाता है, L बराबर π/2 × D लिया जाता है. इसी तरह रेक्टेंगुलर संख्या के लिए W बराबर D/4, T बराबर D/6, L बराबर π/2 × D लिया जाता है. या जो की के स्टैंडर्ड डायमेंशंस हैं उनसे अपना किसी भी साफ डायमीटर के लिए की का चुनाव कर लेते हैं और उसके बाद उसमें आने वाले जो स्ट्रेसेस हैं उनकी गणना करते हैं. यदि वह स्ट्रेसेस लिमिट में है तो वह की सेफ है, लिमिट में नहीं है तो उसकी डायमेंशंस बढ़ाई जाती है. इसके साथ साथ अपना ये भी सिद्ध करेंगे कि इसमें कौन कौन से स्ट्रेसेस आ रहे हैं, साथ में कि एक स्क्वायर की जो है वो सीयर में और क्रशिंग में दोनों में समान रूप से समर्थवान होती है. माना टी टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट है, F टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग ऑन द शाफ्ट है, W विड्थ ऑफ द की है, T थिकनेस ऑफ द की है एंड L लेंथ ऑफ द की है और tau अलाउबल शियर स्ट्रेस ऑफ की मटेरियल है, सिग्मा C अलाउबल क्रशिंग स्ट्रेस ऑफ की मटेरियल है. जब ये टेंजेंशियल फोर्स F लगता है तो इसके कारण इसके ऊपर दो तरह के स्ट्रेसेज उत्पन्न होती हैं, एक शियर स्ट्रेस, तो पहला कंसिडरिंग शियर फेलियर ऑफ द की. इसमें जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो होगा L × W. इसको जब अपना शियर स्ट्रेस से मल्टीप्लाई करेंगे tau तो बल आ जाएगा, बल को जब अपना रेडियस से गुणा करेंगे D/2 से तो ये ट्रांसमिटेड टॉर्क के बराबर हो जाता है. इसी तरह से दूसरी जो स्ट्रेस इसमें आती है वो आती है इसको दबाने के कारण क्रशिंग स्ट्रेस, जो कंसिडरिंग क्रशिंग फेलियर ऑफ द की L × T/2 जो है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया क्योंकि आधी की शाफ्ट में रहती है आधी की हब में रहती है, σc × radius यानी कि D/2 बराबर टॉर्क टी. इक्वेशन 1 और 2 में राइट हैंड साइड बराबर है इसलिए लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी. L × W × tau = D/2 बराबर L × T/2 σc × D/2. इसको अपना जब क्रॉस कर देंगे सेम लाइक मेटेरियल्स को तो W/T बराबर हो जाएगा σc/2 tau. सामान्यता की पदार्थ में क्रशिंग स्ट्रेस जो है वो शेयर स्ट्रेस की दुगनी होती है इसलिए σc = 2 tau. तो ये यहाँ पे रखने पर W = T यानी कि स्क्वायर की कर्तन में और संपीड़न में दोनों में समान रूप से सामर्थ्यवान होती है, ऐसा अपना सिद्ध कर सकते हैं. थैंक यू.